जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और एक नए ब्लॉग में। और जैसे कि कहा जाता है, हमारा भारत जो है, भारत के हर एक राज्य में जो है कुछ ना कुछ इतिहास छुपा हुआ है। उसी तरीके से जो है एक शहर बिहार में भी है जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम है आपका जो है गया। ये प्रसिद्ध होने का कारण ये है जो इस शहर के बारे में जो है हमारे इतिहास में, जैसे मान लीजिए रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। मेरे पीछे जो आप नदी देख रहे हैं, ये जो है अभी फिलहाल सूखा हुआ है, इसको जो है फल्गु गंगा बोल के बोला जाता है। इसमें जो है आपको मैं अगर दिखाने की कोशिश करता हूँ, उस तरफ में जो है पहाड़ आपको दिख रहा है, पहाड़ के बगल में जो है, यहाँ पे ऐसा बताया जाता है जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी तब भगवान श्री राम ने और सीता माता ने यहाँ पर आकर जो है बालू का पिंड से जो है दशरथ जी को जो है यहाँ पे पिंडदान किया था। अभी पिंडदान क्यों किया जाता है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। पिंडदान करने का कारण ये होता है, किसी भी माता पिता का जब मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर आकर जो अगर आप पिंडदान करते हैं तो उनको जो है स्वर्ग का द्वार उनके लिए खुल जाता है। इसीलिए जो है ये शहर इतना विख्यात है पूरे भारतवर्ष में है। तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी है, वो भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, तो इस ब्लॉग के साथ बने रहें। गया में फल्गु नदी के किनारे जो ये घाट अवस्थित है, यहाँ पर जो है आप 365 दिन साल के कभी भी आ जाए, यहाँ पर जो है पिंडदान की क्रिया जो है की जाती है। देश विदेश से जो है बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आके जो है पिंडदान किया करते हैं। और ये जो नदी आप देख रहे हैं, यहाँ पर कहा जाता है जो भगवान विष्णु का यहाँ पर वास है, इसी कारण जो है ये जगह को इतने मान्यता दिया गया है। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर का नाम है विष्णुपद मंदिर। यहाँ पर जो है विश्व में सिर्फ यही जगह पर जो है भगवान विष्णु के पांव के निशान हैं। तो ऐसा कहा जाता है जो लोग भी पिंडदान वगैरह जो भी कर लेते हैं, उसके बाद जो है भगवान विष्णु के पांव के चिन्ह को जो है माथे में टेक कर जो है इनकी पूजा की जाती है, और उसके बाद जिनका भी पिंडदान किया गया है उनके लिए जो है स्वर्ग के द्वार जो है यहाँ पे खुल जाते हैं। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये जो है आपका गया जी डैम जो है, इसका उद्घाटन जो है नीतीश कुमार ने किया था, जिसका लागत जो है 312 करोड़ रुपए लगा था। उसके बाद ये जो आपका रबर डैम है, इसका बनाने का कारण यही है, जो ये गंगा नदी जो है, ये फल्गु नदी जो है, फल्गु नदी के ऊपर ये जो डैम है उसे बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर जो है गर्मी के दिन में जो है, मतलब जब आपका गर्मी के दिन में यहाँ पे सूखा पड़ा रहता है, इसी कारण से जो है यहाँ पे पानी नहीं रहता है। तो इस डैम को बनाने का रीज़न यही है, जो ये डैम अगर बन जाता है तो यहाँ पे 12 महीने मतलब महीने का, साल के 365 दिन जो है यहाँ पर पानी अवेलेबल रहेगा, 4 फुट तक जो है अवेलेबल रहेगा। और ये जो रबर जो है ये मंगाया गया है फ्रांस से, तो बहुत ही हाई क्वालिटी का, बहुत टेक्निकल जो चीज़ जो है यहाँ पर लगाया गया है, जो एनी टाइम यहाँ पर पानी अवेलेबल रहे।